हाय दोस्तों, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजू कुमार। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आया हूं। वो खुशखबरी है बिहार एसएससी की, बिहार कर्मचारी चयन आयोग की। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आप लोगों को बिहार एसएससी के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में, और इनकी वैकेंसी कब आ रही है उनके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो दोस्तों, फाइनली अक्टूबर से नवम्बर, मतलब कि बताया जा रहा है ऐसा कि अभी जो एक न्यूज आई है आज तक में, मैंने अभी रीड किया, गूगल खुला था, अपडेट में देखा गया, मैंने पढ़ा तो अक्टूबर टू नवंबर दिखा रही है कि इस बीच में बिहार एसएससी की लगभग 5000 वैकेंसी आ सकती है इंटर लेवल की, और 4000 वैकेंसी ग्रेजुएट लेवल की। टोटल 9000 वैकेंसी दोस्तों आने वाली है बिहार में, बिहार एसएससी की। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी होगी दोस्तों, लेकिन खुशखबरी तो कही है, लेकिन एग्जाम तो टाइम पे ले ले, सिलेक्शन टाइम पे करवा दे तो ही बढ़िया होगा। नहीं तो दोस्तों, पिछले बार का देखिए, 2014 में जो वैकेंसी आई थी, अभी 2021 आ गई है, 7 साल हो गई है अभी तक बड़ा पड़ा हुआ वैसे ही। तो अब का ऐसा नहीं हो, ये हम सरकार से भी निवेदन करेंगे, हम लोग भी आवाज उठाएंगे उसके लिए। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है कि फिर से बिहार एसएससी की वैकेंसी आ रही है। ये 12th लेवल में भी होती है और ग्रेजुएट लेवल भी होती है। दोस्तों, ये जो एसएससी की एग्जाम होगी, इनका थोड़ा सा सिलेबस का हम बात कर लेते हैं। इनका सिलेबस दोस्तों इतना ईजी है, अगर आप इंग्लिश से डरते हैं या इंग्लिश आपको समझ में नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, इसमें इंग्लिश का कहीं पे कोई नामो निशान तक नहीं है। क्योंकि इसके दो तरह के एग्जाम होते हैं, एक पीटी होता है, एक मेंस होते हैं, प्रीलिम्स मेंस बोल सकते हैं इसको। आपकी जो प्रीलिम्स होगी, पीटी होगी एसएससी की, उसमें 100 नंबर की सिर्फ हिंदी होगी, जो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, मात्र 30% नंबर आना होता है उसमें। और 100 क्वेश्चन तो क्वांटिटी 100 को रहती है, लेकिन मार्क्स 400 पर क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स, मतलब कि एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स रहती है दोस्तों प्रीलिम्स में, और 100 क्वेश्चन के लिए कितना हो जाएगा आपको 400 मार्क्स, उसका 30%, 300 क्या 120, यानी कि आपको मात्र 400 में 120 नंबर लानी होगी प्रीलिम्स को पास करने के लिए हिंदी में, वो क्वालिफाइंग है आपका। तो उसके बाद आप जब मेंस से बैठोगे दोस्तों, वो तो और भी इजी करती है, इंग्लिश तो है ही नहीं, बस 50 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है दोस्तों, 50 रीजनिंग के क्वेश्चन है, 50 जीके जीएस की, टोटल 150 क्वेश्चन, और पर क्वेश्चन 4 मार्क्स, यानी कि 600 मार्क्स की आपकी एग्जाम होनी है दोस्तों, 600 मार्क्स, और टाइम मिलेगी आपको 2 घंटा 15 मिनट। तो बहुत टाइम भी बहुत दिया जा रहा है आपको, 1.5 घंटा काफ़ी होता है 150 क्वेश्चन के लिए, लेकिन आपको 2 घंटा 15 मिनट टाइम दिया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि दोस्तों, इसमें जो बच्चे बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, जो स्टूडेंट इंतजार कर रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बिहार एसएससी फाइनली ये इनको जारी कर रही है अक्टूबर से नवंबर में। अब आप भी अगर इंटरेस्टेड हैं, आप भी चाहते हैं कि बिहार एसएससी को हम क्वालिफाई करें, उसको क्रैक करें, तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी और फास्ट से कीजिए, ताकि आप अच्छे स्कोर कर सको। क्योंकि आप जानते ही हैं कि नौकरी कोई भी हो, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो कंपटीशन को कंप्लीट करने के लिए, उसको फाइट करने के लिए, फेस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल की जरूरत है दोस्तों। वो मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कीजिए, क्योंकि आने वाली जो वैकेंसी है उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि बहुत बच्चे इनका इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं बिहार एसएससी की। तो ये तो उन बच्चों के लिए एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिसका इंग्लिश वीक है, इंग्लिश कमजोर है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के दोस्तों आई है, बस मुझसे रहा नहीं गया और मैं इस न्यूज़ के को लेकर आप लोग के बीच में आ गया कि अक्टूबर से नवंबर के बीच में हो जाइए आप तैयार, अब की बार एसएससी पार, यानी बिहार एसएससी को इस बार अचीव करना है दोस्तों। और मेरे साथ में जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे मैं आपको जीएस का तैयारी एकदम प्रॉपरली ढंग से मैं करवाऊंगा। जीएस में अच्छे से अच्छे स्कोर करने के लिए मेरे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट सब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको काफी अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।